प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां डॉक्टर शादी प्राची के नेतृत्व में वेद विज्ञान पीठ एवं श्री पयहारी बाबा गौशाला के तत्वाधान में जनपद लखीमपुर खीरी में आयोजित महालक्ष्मी श्री विद्या महायज्ञ, जिसकी ध्वज स्थापना का कार्यक्रम 24 जून को शंकता देवी मंदिर में हो चुका है और प्रतिदिन लगातार अनुष्ठान चल रहा है। उसी महायज्ञ को सफल बनाने हेतु आज ग्राम बेलखुद खोरिया ब्लॉक नकहा में खोरिया के वर्तमान प्रधान हरीश चंद्र वर्मा के निजी आवास पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें वेद विज्ञान पीठ के उपाध्यक्ष देव जुनेजा, वेद विज्ञान पीठ के राष्ट्रीय सचिव दीपक ग्रोवर, ब्लॉक लखीमपुर खीरी अध्यक्ष जसवंत राज, ब्लॉक नकहा प्रभारी कृष्ण वर्मा, ब्लॉक नकहा प्रभारी मनोज वर्मा, प्रधान के पिता रोशन वर्मा व खोरिया व आसपास के ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित बंधु उपस्थित रहे। सभी ने महायज्ञ को सफल बनाने हेतु संकल्प भी लिया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए साजिद अंसारी की रिपोर्ट। जो आपका लखीमपुर जनपद में महालक्ष्मी विद्या जो श्री विद्या महायज्ञ जिसकी स्थापना के लिए आपको आपका जो कार्यक्रम चल रहा है 24/6 को शंकर देवी मंदिर में, इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि इसका क्या आपके क्या प्रावधान है, क्या आप जानने की इसका उद्देश्य क्या होगा, उसके बारे में आपको जानकारी दीजिए। देखिए भैया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जनपद वासियों को कि जो कार्यक्रम 24/6/2021 को ध्वज स्थापना का महालक्ष्मी श्री विद्या महायज्ञ के लिए किया गया था, वहां पर आयोजन किया गया था, ये महालक्ष्मी श्री विद्या महायज्ञ का उद्देश्य ये है, जो कोरोना महामारी के चलते जो तमाम स्थितियां लोगों की खराब हुई, तमाम लोगों के घर में ट्रेजिडी हुई, अंत्येष्टि नहीं हो पाई, उसके साथ साथ आर्थिक समस्याएं जो लोगों को सामना करना पड़ा, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारा संगठन जो वेद विज्ञान पीठ व श्री पयहारी बाबा गौशाला, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी बड़ी बहन आदरणीय साधु प्राची जी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में ये महालक्ष्मी श्री विद्या महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इससे वो तमाम समस्याएं दूर हो पाए। इसी के चलते हम लोग आप पूरे जनपद लखीमपुर खीरी में अपनी कार्यकारिणी जिला से लेकर के बूथ स्तर तक का गठित कर रहे हैं, जिन सभी अपनी पूरी टीम के माध्यम से हम लोग इस महायज्ञ को सफल बना पाए। मेरे साथ में मेरे आदरणीय बड़े भाई श्रीमान दीपक ग्रोवर जी, जो वेद विज्ञान पीठ के राष्ट्र सचिव भी हैं, जसवंत राज जी, ऐसे तमाम कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी हैं जो पूर्ण तरीके से समर्पित होकर के इस महायज्ञ में अपना योगदान कर रहे हैं। और मैं ये अपेक्षा जनपद वासियों से करता हूं कि ऐसे तमाम लोग निकल के सामने आएंगे और इस महायज्ञ को सफल बनाएंगे, अपना पूर्ण योगदान देंगे। जो आपका जो वेद विज्ञान पीठ का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपका इसका उद्देश्य क्या है? आपका देखिए, वेद विज्ञान पीठ का गठन इसलिए किया गया, वेद विज्ञान पीठ का जो एक केंद्र है, जो विद्यालय है, संत श्री राम कृपाल दास पयहारी बाबा इंटर कॉलेज, जो कि जनपद लखीमपुर खीरी बैरिया में है, वहां पर पूरे प्रदेश स्तर से कम 1000 बच्चों को अडॉप्ट किया जाएगा, जो अनाथ हैं या गरीब परिवार से हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आज वो आर्थिक समस्याओं की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। वेद विज्ञान पीठ ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करेगा और उस विद्यालय पर वो अपने तमाम केंद्र बनाता हुआ हर जनपद में हर जगह पर अपना केंद्र बना करके ऐसे बच्चों को शिक्षित करेगा, जो बच्चे आगे भविष्य में वैदिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे और राष्ट्र के लिए बड़ा काम करेंगे। ये हमारा अहम उद्देश्य हमारे वेद विज्ञान पीठ का है, जिसकी संगठन का विस्तार भी हम लोग जनपद लखीमपुर खीरी में कर रहे हैं।